तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि जो आईआईटी एग्जाम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 2023 का एग्जाम हुआ था उसमें कितने मार्क्स पे किसको कितने रैंक आए थे। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था सर बता दीजिए, तो एक बार मैं आपसे शेयर करता हूँ। दिस तो आप ये फाइल देखिए, ये हमारी एक स्टूडेंट है, एकता एकता ने ये बनाए हैं। तो इसमें क्या, एक्चुअली हमने उसके साथ जो हमारे रिजल्ट थे जो आई टी एग्जाम 2023 में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और एग्जाम स्टेटस के लिए, तो उसके साथ हमने शेयर किया था ये रिजल्ट उसका, तो उसने ये बनाए हैं। तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता हो गया हो तो इग्नोर करना अदरवाइज। और इसमें मतलब कुछ स्टूडेंट हैं जो नहीं भी होंगे, जैसे कुछ बच्चा शेयर करता है किसी का, जैसे फर्स्ट रैंक जो है 59 मार्क्स पे, ये हमारा स्टूडेंट नहीं था, सेकेंड रैंक वाला हमारा स्टूडेंट था एक्चुअली। तो इस तरीके से, तो एक बार आप देख लीजिए, ये आई टी एग्जाम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 2023 का एग्जाम था जिसमें टोटल 3119 बच्चे अपियर हुए थे, और जो फर्स्ट रैंक आया था वो 59 मार्क्स पे आया था। और ये कट ऑफ से लाइक जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ था 14.61 मार्क्स, ओबीसी के लिए था 13.15, एंड SC ST FPWD के लिए था कट ऑफ 7.3 एक्चुअली। तो ये तो कट ऑफ मार्क्स है, कॉमन है, मतलब कट ऑफ मतलब ये है कि क्वालिफाइड माने जाएंगे, जो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स इसके हैं वो क्वालिफाइड होंगे। और ज़रूरी नहीं है क्वालिफाई हो तो एडमिशन होगा ही, तो एडमिशन में मेरिट के आधार जितने सीटें हैं उसके हिसाब से रैंकिंग से डिसाइड होंगी। तो एक बार देख लीजिए, फर्स्ट रैंक 59 मार्क्स पे था, सेकेंड रैंक 55.61 मार्क्स पे, सेवेंथ रैंक 51.67। तो ये इनमें से ऑलमोस्ट ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट ही हैं पिछले साल का आईआईटी एग्जाम 2023 के। कुछ नहीं है, जैसे मैं बता दिया फर्स्ट रैंक वाला हमारा स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि किसी स्टूडेंट का ही क्लासमेट था, तो उसने शेयर किया था सर इतने मार्क्स पे आए हैं तो हमने उसका एंटर किया है। ठीक है, सो फिर बोलता हूँ, फर्स्ट रैंक 59 पे, सेकेंड रैंक 55.67, सेवेंथ रैंक है 51.67 पे, नाइन्थ रैंक 49.33, टेंथ रैंक 49.33। सो दोनों के इक्वल अगर मार्क्स हैं 9-10 रैंक के, तो रैंक कैसे डिसाइड होता है, जिस कम निगेटिव मार्किंग जिसने किए होंगे उसके रैंक बेटर दिखाए जाएंगे। फिर रैंक 13 48 मार्क्स पे है, रैंक 15 46.67 मार्क्स पे है, रैंक 17 46 मार्क्स पे है, रैंक 22 44.33 मार्क्स पे है, रैंक 25 42.33 मार्क्स पे है। अच्छा, यहाँ 44 पॉइंट है ना, हाँ, रैंक 22 है 44.33, और रैंक 25 है 42.33, देन रैंक 26 भी 42.33 है, एंड देन रैंक 27 इज ऑन 42 मार्क्स, एंड रैंक 41 ऑन 37.67 मार्क्स, रैंक 42 ऑन 37.33 मार्क्स, रैंक 43 अप्रॉक्स लिखा है हमने, 37 मार्क्स है, 45 रैंक 36 मार्क्स पे थे, 46 रैंक भी अराउंड 36 था, 56 रैंक भी 35 मार्क्स में, 59 रैंक भी 35 मार्क्स पे है। इसका मतलब ये इस बीच के मार्क्स सबके इक्वल रहे होंगे, एंड 61 रैंक भी 35 के हैं। ये हो सकता है 0.3 का गैप रहा हो जो इग्नोर किया गया हो, सो अराउंड मतलब यही है अप्रोक्स, आपको आइडिया मिल जाएगा क्या है। देन 69 रैंक आया 33.67 मार्क्स पे, एंड 72 रैंक है 32.67 मार्क्स पे, 75 रैंक है 32 मार्क्स पे, 79 रैंक है 31.33 मार्क्स पे, 80 रैंक है 31.33 पे, 81 भी है 31.33 पे, देन 91 30 मार्क्स पे, 92 रैंक 30 मार्क्स पे है, 93 रैंक 29.67 मार्क्स पे, 96 रैंक 29 पे है, 108 रैंक 27.67 पे है, एंड 115 रैंक 27 मार्क्स पे, 119 रैंक 26.67, देन 124 रैंक 26 मार्क्स पे, 128 रैंक 25.67, 131 रैंक जो है 25.33 मार्क्स पे, एंड देन 135 रैंक है 25.33 पे ही, 140 रैंक 25 मार्क्स पे हैं, और ये आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। सो 143 रैंक है 24 मार्क्स पे, 167 है 23 मार्क्स पे, 179 है 22 मार्क्स पे, 181 है 22 मार्क्स पे, देन 199 रैंक है 54.33 मार्क्स पे। एक मिनट, यहाँ कुछ गलती हुआ है। अच्छा सॉरी, ये एक्चुअली आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स का आ गया बीच में, तो सॉरी, ये जो है 199 रैंक है 54.33 पे, ये आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स का है जो इसने गलती से इंक्लूड कर दिए हैं। तो आईआईटी एग्जाम एमएस में 208 रैंक था 20 मार्क्स पे, 20 पे 213, 20 पे 215, 19 पे 230, 18 पे 258, 18 पे 268, 17.33 पे 286,
16 पे 315, 15 मार्क्स पे 370 रैंक है, 11 मार्क्स पे 621, 16 मार्क्स पे 652, 10 मार्क्स 10.67 मार्क्स पे 741 रैंक है, 10.61 760, 10.33 पे 774, 8 मार्क्स पे 1055। तो आप देख सकते हैं ये लोग क्वालिफाइड, अगर कट ऑफ कट ऑफ पार करेंगे तभी क्वालिफाइड माने जाएंगे। रैंक तो दे दिया है, मार्क्स भी दे दिया है, तो क्वालिफाइड तभी माने जाएंगे जब वो कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे, और जो लोग कट ऑफ क्वालिफाई करें उनमें से एडमिशन होगा मेरिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा यहाँ से। ओके, माइनस 0.33 पे 2724 रैंक का, टोटल कितने बच्चे 3119 इतने स्टूडेंट टोटल अपीयर हुए थे इस साल। तो ये अप्रॉक्स एक आइडिया मिल जाएगा, और इसमें कुछ आपको मिस्टेक्स लगता है तो आप कमेंट कीजिए, देन हम इसको करेक्ट करके फिर दोबारा एक अपलोड करेंगे। सो अराउंड इसमें ज़्यादातर सही होगा, एक दो हो सकता है गलती हो गया हो लिखने में, वो है जैसे यहाँ पे है ना, ये 54.33 जाम मैथमेटिक्स का है जिसमें 199 रैंक था। सो स्टैटिस्टिक्स का नहीं है ना, स्टैटिस्टिक्स में 54 पे तो सेकंड रैंक 55 पे है। सो वो चीज़ है। ओके, सो थैंक यू, इट विल हेल्प यू फॉर टू हैव आइडिया अबाउट एग्जाम। सो कैसे प्रिपरेशन करनी, कितने मार्क्स चाहिए, उससे आपको आइडिया मिलेगा। एडमिशन का भी क्या है कि एडमिशन जनरली 150-200 सीटें हैं, तो जनरल कैटेगरी का 100-150 रैंक तक एडमिशन हो जाता है, ओबीसी का 200-300 रैंक तक एडमिशन हो जाता है IIT-NIT मिला के, एससी एसटी का 600-700 रैंक तक भी एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाएगा, क्योंकि आजकल सीटें बढ़ रही हैं। IIT जाम में, IIT में एडमिशन हो रहा है, NIT में हो रहा है, IIIT में हो रहा है, आईजर्स हैं, IISc हैं, तो इन सबको मिला दोगे तो सीटें ऐसे बहुत सारा हैं, लेकिन मेनली जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के बच्चे वो स्टैटिस्टिक्स चाहते हैं। तो इस तरह से इंस्टीट्यूट अगर मैं एक बार में बता दूं तो आपको, जैसे इंस्टीट्यूट हो गया, IISc हो गया, IIT बॉम्बे में दो कोर्स है, IIT कानपुर है, IIT तिरुपति है, NIT त्रिची में MSc कंप्यूटर साइंस है, या और भी NITs है जहाँ पे MSc मैथमेटिक्स है, MSc डेटा साइंस, IIIT है ना, ये डिफरेंट कोर्सेस हैं जो आपको मिलेंगे। आप और वीडियोज़ देखिए इस चैनल पर, मिल जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।